आदरीन, आज की खबर की सुर्खी है, बेलगाम मीडिया पर कसता कानूनी शिकंजा, जमियत उलमा की रिट पर अब सुनवाई 28 सितंबर को। कोरोना वायरस को मरकज निज़ामुद्दीन से जोड़कर तबलीगी जमात की छवि को दागदार करने और हिंदू मुस्लिम के दरमियान जानबूझकर नफरत फैलाने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल रखी है। इसी रिट की सुनवाई कल होने वाली थी, जो अब 28 सितंबर को होगी। जमियत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के चीफ गुलजार आजमी ने सोशल इंडिया न्यूज़ को बताया कि जमियत के वकला बहस के लिए तैयार थे। गुलजार आजमी ने आगे बताया कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का वो फैसला भी पेश किया था, जिसमें जज साहिबा ने लिखा था कि मीडिया के एक तबके ने कोरोना की आड़ में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया है। एडवोकेट एजाज मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भेजकर गुजारिश की कि मामले की सुनवाई जल्द अज जल्द कर ली जाए, क्योंकि तमाम फरीकैन की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल किया जा चुका है।